नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरु जी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जी हाँ, कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे इसकी हम लोग बात करेंगे। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को दी फाइनल परीक्षाएं आयोजित कराने की इजाज़त। जो आपकी मीटिंग चल रही थी आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेके, उस पर एक बड़ा फैसला सरकार का आया है कि विश्वविद्यालयों को दे दी गई इजाज़त कि वह आपकी फाइनल परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। सरकार ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय और संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के COVID-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएँ आयोजित कर सकते हैं। फाइनल परीक्षाएँ वह आयोजित कर सकते हैं, वह आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो यूनिवर्सिटी अगर आपका करना रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन, तो वह आपका गाइडलाइंस जारी करेगा अपने आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे सपोज करें अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी विद्यापीठ की बात करें, तो वह यूनिवर्सिटी आपका फैसला लेगा या आपका सरकार का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थाएं में आप परीक्षा करा सकते हैं। आपका जो दिशा निर्देश रहेगा उसको आपको पालन करना रहेगा। हम लोग जानते हैं डिटेल में क्या है पूरा प्रोसेस या प्रोसीजर। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के COVID-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय आज विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र के अनुसार फाइनल टर्म की परीक्षाएं अनिवार्य होगी और UGC की गाइडलाइंस के अनुसार ली जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का भी पालन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका गृह मंत्रालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHE यूनियन हायर एजुकेशन टुडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द फाइनल टर्म एग्जाम्स आर टू बी कंपल्सरली कंडक्टेड एज पर UGC गाइडलाइंस एंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ MHE। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोल दिया कि आपको एग्जामिनेशन कराए जा सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनिवर्सिटियों पे। जैसा कि हम आपको बता दें, अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा सहित कई राज्यों में हायर एजुकेशन एग्जाम को रद्द कर दिया था और पिछले प्रदर्शनों के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने के अपने फैसले की घोषणा करने के बाद कुछ घंटे के भीतर ही पलट दिया था। उधर राजस्थान सरकार ने भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं रद्द कर दी। जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे भी कोई आपके प्रॉपर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस या इस तरीके की न्यूज आते हैं, तो इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन फाइनल ईयर के कराए जाएंगे या नहीं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मे बी आपकी यूपी में, अगर यूपी की हम बात करें, तो आपके एग्जामिनेशन में भी नहीं हो सकते। उसका रीजन है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा रहा है, आपके पोस्टपोन या डिले कर दिया गया। जो आपके जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती उत्तर प्रदेश की, तब तक आपकी यूपी में एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल नहीं है जुलाई में। जैसे ही आपकी कोई न्यूज आती है रिलेटेड अलग अलग यूनिवर्सिटियों का, तो इस चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।